सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज बात कर रहे हैं एस सी ओ के बारे में, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। गाइज एक एस सी ओ क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू अपने मतलब वीडियोस को रैंक करा सकते हैं और अपने वीडियोस में अच्छे ट्रैफिक ला सकते हैं। गाइज काफ़ी लोग मतलब वीडियोस बनाने में अधिक टाइम देते हैं, लेकिन अपने एस सी ओ जब करने का टाइम आता है थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, जल्दी में होते हैं, रिसर्च नहीं कर पाते हैं एंड तुरंत वीडियो को पब्लिश कर देते हैं। तो गाइज आपको जितना वीडियो बनाने में टाइम देते हैं उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपको गाइज अपने एस सी ओ में थोड़ा सा टाइम दें। तो गाइज आपका जितना आप वीडियो अच्छी बना ले गाइज, अच्छा जितना अच्छी बना ले, तो आपकी वीडियोस रैंक नहीं हो पाएगी। आपके वीडियोस को मतलब जो रैंकिंग रिसर्च में आएगी होम पेज में, मतलब आपका जो वीडियोस होगा सजेस्ट में नहीं जाएगा, आपका वीडियोस कहीं पर रैंक नहीं, सर्चेबल टॉपिक पर नहीं जाएगा। तो गाइज आपको एस सी ओ करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज काफ़ी लोग ये गलतियाँ कर देते हैं कि जो वीडियोस वायरल होती है उसी का टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन कॉपी कर देते हैं एंड अपने वीडियोस में ऐड कर देते हैं। तो गाइज एस सी ओ क्या होता है, एस सी ओ क्या होता है कि जो गूगल एल्गोरिदम पर ये काम करता है, जो कि गाइज टाइम के साथ ये चेंज होता रहता है। मतलब आज ये है, आज ये रैंक कर रहा है, कल ये रैंक कर रहा है, मतलब जो खोज के साथ साथ। तो गाइज काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर कोई हम मेरा अच्छा यूट्यूबर होता तो गाइज मेरे वीडियोज़ को चेक करता कि आपका मतलब जो थंबनेल लगाए हैं वो बेस्ट है या आप टाइटल बेस्ट है, या आपको आपने क्या गलतियाँ की हैं, क्या आपने गलतियाँ नहीं की हैं। एसईओ गाइज आपको एक माध्यम बताऊंगा जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। बड़े यूट्यूबर भी नहीं चेक कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि आपके थंबनेल में क्या कमियाँ हैं, आपके टाइटल लेंथ कैसी है, आपने जो आई बटन पर लिंक दिया है कि नहीं दिया है। तो गाइज एक आपको जरिया बताऊंगा, उसी के थ्रू से आप अपने देख सकते हैं, अपने मतलब अपने खुद से एसईओ कर सकते हैं एंड कौन सा आपका गाइज टाइटल रैंक कर रहा है, कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कितने नंबर रैंक कर रहा है, आपका क्या कमियाँ हैं। तो गाइज वहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको काफ़ी लोगों को पता भी होगा टी बडी एप्लीकेशन के बारे में, जो भी यूट्यूबर है वो ज़्यादातर यूज भी करते हैं, वो काफ़ी लोग यूज नहीं कर करते होंगे। तो गाइज आपको टी बडी एप्लीकेशन के माध्यम से अपने वीडियो को गाइज देख सकते हैं, कैसे आपको कौन सी आपका जो टैग है वो रैंक कर रहा है, कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, आपका जो टाइटल लेंथ है अच्छी है कि नहीं है, और आपने जो गाइज थंबनेल एक्सपोर्ट किया है गाइज पिक्सल ऐप से तो वो हाई रिजोल्यूशन में है कि नहीं। तो गाइज वहाँ से चेक कर सकते हैं एंड गाइज अगर आपको हाई रिजोल्यूशन में मतलब थंबनेल नहीं बनाया तो गाइज यहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से गाइज देख सकते हैं कैसे आपको हाई रिजोल्यूशन में आपको अपने थंबनेल को एक्सपोर्ट करना है। तो गाइज मैटर करता है आपके जो एसईओ होता है गाइज, आपके समय के साथ आपको चेंज करना पड़ता है कि एसईओ में क्या लगे। आपको गाइज थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि हमारे एसईओ कैसे करें कि जिससे मतलब हमारा जो टैग होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, जो गाइज अच्छे से रैंक कर सकें, हमारे मतलब वीडियोस पर अच्छी ट्रैफिक्स ला सकें, ऑडियंस रिटर्न से भी अच्छी आ सकें। तो गाइज इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। टू बडी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो गाइज उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से गाइज देख सकते हैं कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड गाइज सिंपली से अपने मतलब जो भी आपका चैनल है वहाँ पर गाइज लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ पर गाइज चेक कर सकते हैं। काफ़ी आपको गाइज वीडियोस भी मिल जाएगी एंड मैं उसका अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो मैं उसका भी वीडियो से बना दूंगा, ट्यूटोरियल बना दूंगा कैसे आपको यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। एंड गाइज अगर अभी तक मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया तो गाइज इंस्टा फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम है siam14। एंड गाइज अभी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एंड फर्स्ट बार मैं लाइक गेम रख रहा हूँ, तो गाइज 30+ रख रहा हूँ। तो गाइज हर बार की तरह इस बार पूरा कर ही देंगे।